तो ये देखिए हमारी नारियल की लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू और राजू किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल लड्डू, तो चलिए बना के तरीके शुरू करते हैं। इस नारियल की लड्डू रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक नारियल का गोला लिया है, कच्चा वाला जो नारियल होता है पानी वाला, तो हमने उसका सारा पानी निकाल के, ये लगभग एक गोला है तो इसका वेट में लें तो आप लगभग 200 ग्राम के आसपास है। और इन सारे को हम एक मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम रफली चाकू से इसे चॉप कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। तो हमने इस प्रकार से इसे रफली चाकू से कर लिया। आप चाहे तो इसके छिलके को आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बगैर छिलका निकाले यहाँ पे बनाया है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, लेकिन छिलके निकालने में समय ज़्यादा लगेंगे, तो इसीलिए आपको जैसा पसंद हो आप छिलके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ इस प्रकार से इसे ग्राइंड किया है और ग्राइंड करने के बाद फ्रेंड्स फाइनली हमने कुछ इस प्रकार से ग्राइंड किया है ताकि ये जो है दरदरा हो, ज़्यादा हम बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। तब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे हीट करेंगे और कढ़ाई गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें इसका पानी निकालना है, क्योंकि इसमें जो कच्चा नारियल है इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है तो मैं उसे सुखाना है। तो इसे नॉर्मल कढ़ाई पर डाल के अब इसे लगभग 3 से 4 मिनट चलाएं मीडियम फ्लेम पर, तो इसका पानी लगभग ये सूख जाएगा। तो आप इसी प्रकार से इसे चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, तो आप लगातार इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा तो फिर इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए इसका देखिए कलर भी अब देखिए चेंज हो गया हल्का सा। हमें इसे इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस केवल इसका पानी सूखने के बाद इस प्रकार से कुछ इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल कलर हमारा चेंज हो गया है। तब हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। घी हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास, ये अपने घर का देसी घी है, तो 2 चम्मच घी हमने यहाँ पे डाला है। तो 2 चम्मच काफ़ी है इतना मात्रा के लिए, आप चाहे तो घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच काफ़ी है इसके लिए। तो नारियल का गोला जो लगभग 200 ग्राम के आसपास और 2 चम्मच घी, नॉर्मल जो घर में यूज होता है चम्मच, वही चम्मच से 2 चम्मच घी हमने लिया है। और उसे डालने के बाद हम इस प्रकार से इसे घी में थोड़ा सा 3 से 4 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसे हल्का भून लेंगे और इसे लगातार आप चलाते रहेंगे किसी भी स्टेज में ताकि ये जलने ना पाए, नहीं तो फिर इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका कलर थोड़ी सी और चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध जो है फ्रेंड्स हमने लगभग 1 कटोरी लिया है और बिल्कुल मलाई वाले दूध लिया हमने। घरों में जो दूध उबालने के बाद इसमें मलाई बैठती है ना, तो 1 कटोरी नारियल हमारा घिस के हुआ, 1 कटोरी हमने दूध डाला है। तो दूध डाल के इसमें पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर। तो आप इसे लगातार इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। बहुत ही आसान ये रेसिपी है फ्रेंड्स, और अपने घर में ये बना के आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो आप इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो उबाल आने के बाद देखिए दूध हमारी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसी स्टेज पे फ्रेंड्स इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने आधी कटोरी डाला है, तो जितना हम नारियल लेंगे उसका आधा हम चीनी डालेंगे इसमें। आप मीठा कम ज़्यादा खाएं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन नारियल का आप आधा चीनी डालें इसमें तो ये जो मिठाई है नारियल का लड्डू बहुत ही बढ़िया ही बनेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला यहाँ पे, तो आपको मन हो तो डाल दें। हमने यहाँ पे बगैर इलायची पाउडर का ही बनाया। तो फाइनली चीनी नहीं डालने के बाद थोड़ी सी ये मॉइस्चर ज़्यादा होगी, क्योंकि चीनी पकने के बाद इसमें पानी निकलने लगता है। तो आप इसी तरह से लगातार इसे चलाते रहेंगे। इसमें जो मेन प्रक्रिया है फ्रेंड्स इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली कुछ सूख के इस प्रकार से हो गया है ये जो नारियल का। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स।
ये देखिए अब लगभग ये लड्डू बनने के फॉर्म में आ गया है। तो हम सारे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप चाहे तो इसी को बर्फी के रूप से भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हम थोड़ी सी ठंडा होने देंगे लगभग 2 से 4 मिनट पंखे के हवा में, और उसके बाद हम इस प्रकार से हम इसे शेप देंगे। शेप आप अपने हिसाब से लड्डू का दे सकते हैं, कम या ज़्यादा, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसे। तो हमने मीडियम रेंज में इसका शेप रखा है। तो इस मात्रा हम लगभग 10 से 12 लड्डू इससे बन जाएंगे। तो ये देखिए इसी प्रकार से हाथों से चलाते रहेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद फिर हाथों को लड्डू को हथेलियों पर इस प्रकार से हम चलाएंगे ताकि अच्छे से राउंड हो जाए और इसमें जो शाइनिंग थोड़ी सी आ जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार से हमने सारे लड्डू को बनाया फ्रेंड्स। आप इसे बर्फी का सेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, तो सारे लड्डू को हमने इसी प्रकार से फाइनली सेप दे दिया है। और ये देखिए हमारा फाइनली 10 से 12 लड्डू हमारा तैयार हुआ है। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए, इसे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो करें। तो ये हमने कुछ बादाम के टुकड़े को इसके ऊपर इस प्रकार से गार्निश कर दिया है ताकि देखने में भी बढ़िया लगे। और बिल्कुल बाज़ार वाले लड्डू जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते मार्केट में, वो आप इजी तरीके से कम पैसों में आप अपने घर में बना सकते हो फ्रेंड्स, और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया आपको देखने से लग रहा है ना, बिल्कुल बाज़ार वाले नारियल के लड्डू इस प्रकार के लड्डू आपको मार्केट में मिलते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।